तो लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं स्वाहा। 542 सीटों पर नतीजे लगभग सामने आते जा रहे हैं। सारे के सारे एग्जिट पोल धराशायी हो गए। 370 से 400 के पार एनडीए को पहुंचाने वाले अब जो है अपनी लाइन बदल रहे हैं। खुद बीजेपी को यकीन नहीं हो रहा कि वो बहुमत से ही पिछड़ गई है और अपने दम पर सरकार बनाना पॉसिबल ही नहीं है। ना मोदी फैक्टर काम करता नजर आया, ना मोदी की गारंटी ही काम आई। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से तीसरी बार चुनाव जीत गए हैं, लेकिन नतीजे अपने आप में चौंकाने वाले हैं। बीजेपी सत्ता में लौट रही है, लेकिन अब किंग मेकर की भूमिका में सहयोगी दल नजर आ रहे हैं, यानी जोर चलेगा तो सहयोगी दलों का। अब सरकार में जितने भी मुख्य मंत्रालय होंगे वो इन्हीं सहयोगी दलों के पास भी जा सकते हैं। लोग कौन बनेगा प्रधानमंत्री जैसे सवाल भी पूछ रहे हैं। अब इन चुनाव के नतीजों और बदली हुई तस्वीर पर नजर डालते हैं। 2019 के चुनाव में 303 सीट हासिल करने वाली बीजेपी सिर्फ 242 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है, जबकि एनडीए जो पिछली बार 353 सीटों के साथ सत्ता में थी वो जैसे तैसे मिलकर अब 296 सीटों पर बढ़त बना पाई है, जिससे सत्ता में वापसी की तरफ दिख रही है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो 52 सीटों पर उसने 219 में जीत हासिल की थी, लेकिन अब 100 सीटों की तरफ पहुंच रही है। इंडिया अलायंस के पास 91 सीटें थी जो बढ़कर 231 हो रही है। चुनावी नतीजे अभी सामने आने वाले हैं, तस्वीर और क्लियर होगी। लेकिन इसी बीच अमित शाह और जेपी नड्डा की लंबी बैठक हुई है। बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, लेकिन इन चुनावों में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं नीतीश कुमार। वो अपनी शर्तों के साथ किंग मेकर साबित हो सकते हैं। कल एनडीए की बैठक होने वाली है, लेकिन इंडिया अलायंस भी अपनी गोटियां फिट करने में लगी है। सरकार बनाने के लिए अब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का सहारा है, लेकिन क्या इतना आसान होगा? नीतीश कुमार जो पलटू चाचा के नाम से जाने जाते हैं, क्या एक बार फिर से पलट सकते हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि इंडिया अलायंस की तरफ से भी उनको कॉल आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव की वोटों की गिनती के बीच ही जब जेडीयू ने बढ़त बनाई तो नीतीश कुमार के पलटने की खबर एक बार फिर से गलियारों में सुनाई दी। इस चुनाव में बिहार में बीजेपी ने 17 सीटों में से 12 सीटों पर बढ़त बना रखी है, जबकि जेडीयू ने 16 में से 13 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। यानी जोर नीतीश कुमार का दिखाई दे रहा है। सूत्रों के मुताबिक इंडिया अलायंस के साथ नीतीश कुमार की बातचीत शुरू हो गई है और डेप्यूटी पीएम पद का ऑफर भी किया गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 17 में से 16 सीटें जीतने पर भी उन्हें बीजेपी ने एक केंद्रीय मंत्री पद का ऑफर दिया था, जिसको नीतीश कुमार ने ठुकरा दिया था। बाद में आरसीपी सिंह जेडीयू के अध्यक्ष बने तो मंत्री भी बनाए गए। इस बात से नाराजगी की वजह से आरसीपी सिंह नीतीश कुमार की नजर में चढ़ गए और आखिर में राजीव रंजन यानी कि लल्लन सिंह ने उनकी जगह पूरी की। पिछली बार नीतीश कुमार केंद्र में लल्लन सिंह को भेजना चाहते थे, इस बार राज्यसभा भेजे गए संजय झा मंत्री पद की सूची में जेडीयू की तरफ से सबसे ऊपर नाम आ रहा है। इसके बाद जेडीयू इस बार भरपाई के लिए दो और पदों की चाहत भी दिखा सकती है, मतलब संजय झा के साथ साथ तीन लोग और। इस बार जेडीयू को 16 सीटें दी गई थी और 17 पर बीजेपी लड़ रही थी, और इस बार नीतीश कुमार का स्ट्राइक रेट बीजेपी से बेहतर रहा है। लेकिन वही बात कर लेते प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान चिराग पासवान की, थोड़ा हौसला बीजेपी को से मिला, क्योंकि उनकी पार्टी ने 5 में से 5 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। अब बात करते हैं चंद्रबाबू नायडू की। चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी ने लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया है। पार्टी कुल 25 में से 16 सीटों पर आगे है। वहीं सहयोगी बीजेपी और जनसेना पार्टी 3 और 2 सीटों पर आगे है। अब एनडीए सरकार में टीडीपी को अहम सहयोगी के तौर पर देखा जा रहा है और यह भी साफ है कि मंत्रिमंडल गठन में उनका अहम रोल होगा। वैसे नुकसान की बात करें तो सबसे बुरा हश्र बीजेपी का हुआ है तो उत्तर प्रदेश में, जिसकी वजह से बीजेपी को एक बड़ा डंट लगा है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर सबकी नजर थी। पिछले 2 आम चुनावों में मुकाबला एक तरफा देखने को मिला था। बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की थी और 2014 में बीजेपी ने 71 सीटें जीती थी। 2019 में 62 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार चुनाव ऐसा होता नहीं दिखा है। यूपी में 80 में से सिर्फ 36 सीटों पर कुल मिला के पूरा का पूरा एनडीए बढ़त हासिल करता दिख रहा है, जबकि 42 सीटों पर इंडी अलायंस आगे चल रही है। कुल मिलाकर अगर बीजेपी अपनी उत्तर प्रदेश में ये सीटें बचा पाती तो शायद 270 के आंकड़े तक पहुंच जाती। 2024 के इन इलेक्शंस में बीजेपी ने राज्य की 80 लोकसभा सीटों में से 75 पर चुनाव लड़ा है, जबकि गठबंधन सहयोगी दल अपना दल सोनेलाल मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज सुरक्षित सीट और सुभाषपा ने घोसी और आरएलडी ने बिजनौर और बागपत से चुनाव लड़ा था। इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस और सपा ने यूपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। कांग्रेस ने 17 सीटों पर कैंडिडेट उतारे थे, बाकी सभी पर सपा के उम्मीदवार खड़े थे।